दोस्तों यहाँ पे सैमसंग ने अभी अक्टूबर मंथ का जो सिक्योरिटी पेज अपडेट दिया था, बट अभी एक और अपडेट जो सैमसंग ने पुश करा है यहाँ पे। दोस्तों मैं इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा फुल, और कुछ बातें भी कहूँगा। आप वीडियो जो है पूरा देखना है तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस अपडेट के बारे में बता देता हूँ। तो इस अपडेट में दोस्तों देखो 274.67 MB का अपडेट है, और ये अपडेट में अपडेट इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो सारी एप्लीकेशन है इनको लेटेस्ट अपडेट पे अपडेट किया है, वर्जन पे अपडेट किया, लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट करा है। इसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे कि व्हाट्स न्यू में ओवरऑल जो है इसको यहाँ पे सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया गया है यहाँ पे, और स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव किया है यहाँ पे, और कुछ बग्स होंगे तो उनको फिक्स किया है। यार दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूँ, क्योंकि जो अपडेट सितंबर और अक्टूबर का आया था उसमें मोबाइल हीट ज़्यादा हो रहा था, और मोबाइल चार्जिंग करने पे भी हीट हो रहा था, गेम खेलने पे मोबाइल हीट हो रहा था, ये प्रॉब्लम थी यहाँ पे, और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस अपडेट में देखते हैं कि क्या है और क्या हमें नया देखने को मिला। और यहाँ पे कुछ लोग जो YouTube पे वीडियो डाल रहे हैं कि ये 5G अपडेट किस हिसाब से आपको यहाँ पे 5G अपडेट दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ व्हाट्स न्यू में आप ये पढ़ो। आप इधर उधर फालतू की वीडियो देखने से अच्छा उस यूट्यूबर पे विश्वास करो जो सही इन्फॉर्मेशन देता हो। ऐसा नहीं कि जिसने थंबनेल पे लगा दिया कि ये 5G अपडेट है तो आप उसकी वीडियो देख रहे हो सही मान रहे हो। आपको खुद को यहाँ पे क्या बता रहा है व्हाट्स न्यू में आप ये चीज़ देखो, और ज़्यादा आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये जो इस पर टच करके इसके साइट पे चले जाओगे। आप साइट पे जाने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मोबाइल मैंने जो है अपडेट कर लिया यहाँ पे, तो मैं आपको क्लियरली बताऊँ कि इस अपडेट में क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों, सेटिंग में जब अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो सेटिंग में आपको अबाउट डिवाइस में जब हम यहाँ पे जाएंगे और जाएंगे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1UI और 1 सितंबर और यहाँ पे मिलेगा आपको 1 अक्टूबर का सिक्योरिटी पेज अपडेट। ये अपडेट मैं आपको बता दूँ कि ये अपडेट में क्या है। इस अपडेट में ये है दोस्तों कि प्रॉब्लम इसमें आ रही थी, चार्जिंग जब हम कर रहे थे यहाँ पे मोबाइल हीट हो रहा था, और दूसरा यहाँ पे गेमिंग करने पे भी मोबाइल ज़्यादा ही हीट हो रहा था, और तीसरी बात यहाँ पे मोबाइल जो है यूट्यूब पर जब हम वीडियो देखते हैं तो ये फ्रंट साइड से भी यहाँ पे मोबाइल हीट हो रहा था। तो ये मुझे जो प्रॉब्लम आ रही थी मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों, मुझे एक और प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे जो ये वाइब्रेशन में, इसका वाइब्रेशन जो है यहाँ पे सही नहीं वर्क कर रहा था। फिलहाल तो भी सही वर्क कर रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे बीच बीच में कीबोर्ड जो है वहाँ पे वाइब्रेशन रुक रहा था, हो सकता हो इस पर प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हो सैमसंग ने। तो ये प्रॉब्लम मुझे इतनी प्रॉब्लम आ रही थी, 2 से 3 प्रॉब्लम आ रही थी, बाकी अगर आप देखोगे तो सारी चीज़ एकदम सही चल रही है यहाँ पे, कोई भी इशू मुझे देखने को नहीं मिल रहा है और एप्लीकेशन में भी लेग नहीं हो रहा है। ये सारी इस अपडेट में जो है मैंने आपको बताया है यहाँ पे। तो दोस्तों एक और बात है, ये अपडेट में अभी अपडेट तो मैंने कर लिया ये, तो फिलहाल मैं अभी आगे जो यहाँ पे एक सेकेंड उसके मैसेज आ गया, तो आगे मैं इसकी एक वीडियो और बनाऊंगा टेस्ट करने के बाद। 2 से 3 दिन 4 दिन लगेंगे मुझे, मैं गेमिंग टेस्ट और हीटिंग टेस्ट सारी चीज़ें टेस्ट करूँ, उसके बाद में एक और न्यू वीडियो आएगी। तो फिलहाल तो ये अपडेट हो चुका है, अभी तो मैंने आपको ये इन्फॉर्म कर दिया है, ये कोई 5G अपडेट नहीं है, ये सॉफ्टवेयर अपडेट जो कि सिक्योरिटी पेज जो एप्लीकेशन जो है सैमसंग की उसको लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट किया है, और दूसरा जो प्रॉब्लम है उस बग्स को फिक्स किया है।